नमस्कार दोस्तों, मेंटर फ्लुएंट यूट्यूब चैनल पर भागवत गीता की साइकोलॉजी पर एक अभूतपूर्व व्याख्या। मैं गीता हूँ पुस्तक के हिंदी ऑडियो बुक समरी में आपका स्वागत है। एपिसोड 3.1 अध्याय 2। सो यहाँ से आगे की चर्चा हेतु मैं साक्षी हो जाती हूँ। वह चर्चा की कमान सीधे कृष्ण व अर्जुन को सौंपती हूँ। कृष्ण, अब मैंने तो अपनी ओर से उसे सब कुछ कहा, हर तरीके से समझाया, लेकिन क्या कहूँ आपसे, मेरे इतने समझाने पर भी अर्जुन राजी नहीं हुआ। तो नहीं ही हुआ, होता भी कैसे। इस समय उसका भय इतना गहरा था कि उसे भाइयों, पुत्रों या द्रौपदी तक की चिंता नहीं हो रही थी। वाकई मैं तो बहुत बुरा फंसा था, क्योंकि कम से कम मेरी उपस्थिति में तो जो होना चाहिए वह होना ही चाहिए और उस अनुसार अर्जुन को युद्ध लड़ना ही चाहिए। परंतु सवाल यह कि इतने भ्रमित व भयभीत व्यक्ति को राजी कैसे किया जाए। अब अर्जुन सत्य की ऊंचाई से समझ लेता तब तो बात कब की समाप्त हो चुकी होती। फिर तो युद्ध अटल है, आत्मा अमर है, और ऐसे में यह सारा मरना मारना एक माया है। परंतु चूंकि इस सत्य को समझने में बड़े बड़े ज्ञानी मात खा जाते हैं, तो फिर अर्जुन की भी साथी क्या। जब बड़े बड़े ज्ञानी भी एक या दूसरे प्रकार की माया में उलझे रहते हैं तो अर्जुन मोह कैसे छोड़ दे। मत छोड़े, पर युद्ध तो करना ही है। सो उस हेतु मैंने उसकी क्षत्रियता भी जगाने की कोशिश की, और यूं भी इस समय वह एक क्षत्रिय ही है, क्योंकि भीतर गहरे में तो अब भी उसमें राज्य पाने की चाह छिपी ही हुई है। आज भी उसके मन में कौरवों के प्रति शत्रुता भरी ही पड़ी है। यह तो पकड़े भय ने सब छिपा दिया है, लेकिन दुर्भाग्य से मैं उसकी क्षत्रियता भी नहीं जगा पाया। कोई बात नहीं, जो होना चाहिए वह तो होना ही चाहिए। हार मान ले वह कृष्ण कैसा, मुझे ऐसे ही जय श्री कृष्ण थोड़े ही कहा जाता है। मुझ अकेले को पूर्ण अवतार ऐसे ही थोड़े कहते हैं। मैं सत्य व स्वधर्म से लेकर स्वार्थ तक के स्तर पर उतर कर जिससे जो चाहिए वह करवा ही सकता हूँ, क्योंकि आत्मा का एक ही सिद्धांत है, जो होना चाहिए वह होना चाहिए और जो नहीं होना चाहिए वह किसी भी कीमत पर नहीं होना चाहिए। यानी अर्जुन को युद्ध करना चाहिए तो करना ही चाहिए, और सामान्य परिस्थिति में उसे युद्ध करने से कोई एतराज भी नहीं था। युद्ध के मैदान में वह पूरे जोश से ही आया था, क्योंकि तब वह अपने क्षत्रिय धर्म रूपी स्वधर्म में स्थित था। अब यह तो स्पष्ट है कि मुझे उसे फिर युद्ध करने हेतु राजी करना है, तो उसके भीतर आए परिवर्तन को शून्य करना होगा। और आप डे टू डे साइकोलॉजी में भी समझ लेना कि मनुष्य के मन परिवर्तित करने के तीन ही उपाय हैं। सबसे सीधा और सच्चा उपाय तो यह है कि उसे सत्य का एहसास करा दो, और वह उपाय मैं अर्जुन को आत्मा की अमरता समझाकर आजमा ही चुका हूँ। लेकिन वह नाकाम रहा। उसके नाकाम होने पर मैं उसका स्वधर्म जगाने की भी कोशिश कर ही चुका हूँ, लेकिन दुर्भाग्य से उसका क्षत्रिय धर्म भी नहीं जगा। यहाँ यह भी समझ लो कि सत्य से मनुष्य का मन परिवर्तित हो जाए तो फिर वह सदैव के लिए परिवर्तित हो जाता है। स्वधर्म से मन परिवर्तित हो तो वह कार्य दिल खोलकर करता है, परंतु जब दोनों उपाय असफल हो जाए तो फिर मनुष्य के मन परिवर्तन का एक ही उपाय बचता है कि उससे उसके स्वार्थ की बात कर ली जाए। और कहने की ज़रूरत नहीं कि मतलब की बात तो यहाँ हर कोई समझता ही है। वहीं मतलब की भाषा क्या होती है यह भी आप सभी जानते हैं। जी हाँ, भय और लोभ की। लेकिन यह गिरावट की भाषा है। इससे भले ही मन परिवर्तित हो जाता है, परंतु अस्थायी तौर पर। वहीं उसका दूसरा एक और घाटा है कि वह यह कि भय या लोभ से भाग
मनुष्य दिल खोलकर कार्य नहीं कर पाता है। खैर, मेरे पास तो इस समय उपाय ही कहाँ बचा है, सो बस मैंने सीधे अब अर्जुन पर भय व लोभ रूपी हथियार चलाना तय किया। शुरुआत लोभ पकड़ाने से ही करी। मैंने कहा, हे अर्जुन, ऐसा धर्मयुक्त युद्ध तो भाग्यवान क्षत्रिय लोग ही पाते हैं। यह युद्ध तो स्वर्ग के द्वार खोलने वाला है, अतः यह सुनहरा अवसर मत खो। साथ ही, हे अर्जुन, एक बात और ध्यान रख ले कि युद्ध से भागेगा तो अपनी अब तक अर्जित सारी कृति खो देगा। तू यह मत मान कि युद्ध से भागने पर सब तुझे अहिंसा को उपलब्ध मानेंगे या फिर सन्यासी मानेंगे। नहीं, सब तुझे मारे डर के युद्ध से भागा हुआ ही मानेंगे। तेरी बड़ी बदनामी होगी, फिर तू जहाँ जाएगा जिससे मिलेगा अपमानित होगा। ऐसे तिरस्कार भरे जीवन से तो मौत अच्छी। जरा सोच अर्जुन, कल जहाँ चारों ओर तेरी जय जयकार थी, वहीं युद्ध से भागने पर चारों ओर तेरी थू थू हो जाएगी। ऐसे बदनामी से भरे जीवन से तो युद्ध करना ही अच्छा है। इसमें कम से कम जीतने का और राज्य भोगने का मौका तो है। अतः समझ मेरे भाई, युद्ध लड़ने से में फायदा ही फायदा है। जीता तो राज्य मिलेगा, यश मिलेगा, मरा तो पल भर में छुटकर स्वर्ग पाएगा, लेकिन भागा तो पूरा जीवन रोता रहेगा। एक तरफ लोग ताने कसेंगे और दूसरी तरफ अपने परिवार की मृत्यु का शोक भी तुझे जीवन भर सताएगा। अतः दिमाग मत लगा, सत्य से पकड़, स्वधर्म से पकड़ या स्वार्थ से समझ, मर्जी तेरी, पर करना तुझे युद्ध ही है। दूसरी ओर यह भी समझ कि समय बीता जा रहा है, युद्ध किसी भी क्षण प्रारंभ होने को है। हमारे पास बातचीत हेतु ज़्यादा वक्त नहीं है। वहीं युद्ध से तुझे कोई वैसे भी भागने देने वाला नहीं है। ऐसी बेकार की कोशिश करने पर तो तू मुफ्त में मारा जाएगा। कौरवों को तो बिना मेहनत के उनका मनचाहा मिल जाएगा। सो समझदारी दिखा तथा चुपचाप युद्ध के लिए खड़ा हो जा। अब इतना कहकर मैंने तो गीता समाप्त कर दी। अर्जुन को युद्ध हेतु राजी हो ही जाना चाहिए था, परंतु उसके हाव भाव से ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा था। ऐसे में बातचीत की डोर तो मैं छोड़ नहीं सकता था। सो मैंने फिर समझाना प्रारंभ किया। जब वह भय लोभ से भी नहीं समझ रहा तो मैंने बातचीत का स्तर बढ़ाने में ही अपनी भलाई समझी। यूं भी अर्जुन का अपना एक स्तर था ही, सो ऐसे में मुझे लाभ हानि की बजाय बात को सत्य व स्वधर्म के बीच घुमाने पर ही उसे राजी करना ज़्यादा आसान लग रहा था। सो मैंने अर्जुन से सीधा पूछा कि बता, तेरी चिंता क्या है? यही ना कि क्या होगा तो हो जाने दे, जो होता हो। तुझे क्या, तू जय पराजय, लाभ हानि तथा सुख दुख को समान मानकर युद्ध के लिए तैयार हो जा। इन सब को सम मानने से तू पाप को उपलब्ध नहीं होगा। अरे, इन तीनों को सम मानने के बाद कोई कुछ भी करे कभी पाप को प्राप्त नहीं होता, क्योंकि यदि कुछ पाप है तो वह स्वार्थ है। जय चाहिए पराजय नहीं, लाभ चाहिए हानि नहीं, सुख चाहिए दुख नहीं। अर्जुन, मनुष्य को चाहिए कि अपने सारे कर्मों से इन द्वंद्वों को हटा दे। तू एक कर्म तो इन सब को हटा कर करके देख, मुझे ही देख। मुझे इस युद्ध से क्या लाभ है, कोई जीते कोई हारे, जाति तौर पर मुझे क्या फ़र्क पड़ रहा है। फिर भी मैं तेरे साथ खड़ा हूँ। मेरे किसी कर्म में जय पराजय या लाभ हानि की कोई गणना भी नहीं होती, जबकि दूसरी ओर सामान्य मनुष्य कर्मों में से इन सब का विचार हटा दे तो शायद वह दो कदम नहीं चल पाए। बस यही मेरे व सबके बीच वो सब फासला है जो सबको तय करना है। जीवन का यही तो रहस्य है जो सबको समझना है।
सबको समझना है कि सुख दुख से ऊपर आनंद होता है, लाभ हानि से ऊपर संतोष होता है, जय पराजय से ऊपर कर्तव्य होता है और कर्म आनंद व संतोष के लिए किए जाते हैं, कर्म कर्तव्य होता है। यूं तो धर्म और धार्मिकता की चारों ओर खूब चर्चा है, परंतु अर्जुन तू आज मुझसे धर्म और अधर्म का स्पष्ट भेद जान ले। कर्म आनंद व संतोष हेतु कर्तव्य मानकर किया जाता है तो धर्म वरना अधर्म। सवाल युद्ध या संन्यास का नहीं है, सवाल कर्म के पीछे के कारण का है। यदि तू युद्ध राज्य पाने हेतु करता है तो अधर्म, यदि तू युद्ध कौरवों के प्रति शत्रु भाव रखकर करता है तो भी अधर्म, परंतु यदि तू युद्ध हस्तिनापुर की प्रजा के खुशहाल जीवन हेतु करना चाहता है तो धर्म। तू युद्ध स्त्रियों की अस्मिता बचाए रखने हेतु करना चाहता है तो धर्म, और यदि तू युद्ध से भागना चाहता है तो वह तो मोह है, क्योंकि युद्ध अटल हो चुका है और सत्य से मुंह फेरना मनुष्य की अंतिम गिरावट है। अतः तू क्या होगा कि चिंता त्याग कर युद्ध को एक रास मानते हुए खेल जा, क्योंकि हस्तिनापुर की प्रजा को श्रेष्ठ शासन देना तथा स्त्रियों की अस्मिता बचाना एक क्षत्रिय होने के नाते तेरा कर्तव्य है। यह कहकर मैंने गीता एक बार फिर समाप्त कर दी। मेरी दृष्टि में अब तो अन्य किसी संशय की जगह ही नहीं बची थी। उम्मीद तो यही थी कि अर्जुन हंसते हुए युद्ध हेतु तैयार हो जाएगा। गीता तो एक दृष्टि से यहाँ सबके लिए समाप्त हो चुकी है। क्या करना तथा क्या नहीं करना यह पूरी तरह से स्पष्ट हो चुका है, परंतु जय पराजय व लाभ हानि बाबत सोचने की आदत पुरानी है। यही उलझन अर्जुन की भी है। वह भी युद्ध हेतु तैयार नहीं ही हुआ, कोई बात नहीं, मैं फिर शुरू हो जाता हूँ। मेरे पास तो उसको युद्ध हेतु राजी करने के अलावा दूसरा उपाय ही कहाँ है। सो वार्तालाप को आगे बढ़ाते हुए मैंने कहा कि हे अर्जुन, मैंने तुझे ज्ञान योग के माध्यम से क्या करना तथा क्या नहीं करना यह समझाने की कोशिश की, लेकिन तू एक क्षत्रिय है, तू कर्म की भाषा ज़्यादा समझता है, अतः इसी बात को तू कर्म योग के माध्यम से समझ। उसे समझकर तू कर्मों के बंधन से छूट जाएगा, क्योंकि तेरी वर्तमान उलझन कर्म नहीं है, उसका फल है। तुझे ऐतराज युद्ध से नहीं है, तुझे अर्चन युद्ध के संभावित परिणाम से है। सो तू मुझे ध्यान से सुन, शायद युद्ध के परिणाम को लेकर उभरी तेरी चिंता दूर हो जाए और तू दिल खोलकर युद्ध कर पाए। यह स्पष्ट समझ ले अर्जुन कि बात चाहे ज्ञान योग से समझे या कर्म योग से, करना तो तुझे दिल खोलकर युद्ध ही है, क्योंकि धर्म का तो एक ही अर्थ है कि जो होना चाहिए वह होना चाहिए तथा जो नहीं होना चाहिए वह किसी कीमत पर नहीं ही होना चाहिए, और इस लिहाज से तेरे पास दिल खोलकर युद्ध लड़ने के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं है। सच तो यह है अर्जुन कि यहाँ किसी मनुष्य को कभी क्या करने और क्या नहीं करने का कोई विकल्प उपलब्ध नहीं होता है। हर कोई यहाँ कुदरत की जो होना चाहिए वह होना चाहिए की महान लीला से बंधा हुआ है, और इस एक निश्चय से जी रहा व्यक्ति चाहे जो करे कभी कुदरत से नहीं बिछड़ता है, परंतु दुर्भाग्य से यहाँ कोई भी इस एक निश्चय से नहीं जी रहा होता है। यहाँ हर एक ने अपनी बुद्धि को अनेकों निश्चय में विभाजित कर रखा है, और उसी कारण वह बात बात में विकल्प खोजता रहता है। तू भी इस समय यही कर रहा है, और इसके दो प्रमुख कारण हैं, एक कर्म के फलों में ललसा तथा दूसरा है जमाने भर का ज्ञान। इन दोनों से प्रभावित मनुष्य शास्त्रों व कर्मकांडों में रुचि दिखाते हैं, सोचते हैं कि स्वर्ग से बढ़कर कुछ पाने योग्य है ही नहीं। उनका
रस उन तमाम विधियों में होता है जो उन्हें लाभ के आश्वासन देती है। वे उन तमाम क्रियाओं में रुचि दिखाते हैं जो उन्हें हानि से बचाने के उपाय बताती है। इस प्रकार की वाणियों से जिनका चित्त भ्रमित हो जाता है वे एक परमात्मा में यानी जो होना चाहिए में एक निश्चय करके खड़े नहीं हो पाते हैं। और अर्जुन यह स्पष्ट समझ ले कि संसार के तमाम शास्त्र, फिर वे चाहे किसी के भी द्वारा कहे या लिखे गए हों या फिर वे किसी भी संप्रदाय के हो, जिनमें भी कर्मों से कुछ मिलने का ताल्लुक बिठाया गया है, वे सब मनुष्य के एक निश्चय में भ्रम पैदा करने वाले हैं। अर्जुन, सवाल क्या कर रहे हो या क्या नहीं कर रहे हो का नहीं है, बल्कि सवाल एक निश्चय व अनेक निश्चय का है। मैं तुझे एक निश्चय से युद्ध करने को कह रहा हूँ, परंतु तू शास्त्रों को बीच में लाकर निश्चयों को विभाजित करने में लगा हुआ है। तू उनका सहारा लेकर मुझे पाप पुण्य क्या है यह समझा रहा है, परंतु स्पष्ट समझ ले कि एक निश्चय पुण्य है तथा भ्रम पाप है, और तू शास्त्रों के कारण इस समय भ्रमित हो चुका है। सो तू शास्त्रों की बात छोड़ और स्वाधीन अंतःकरण वाला हो जा। तुझे क्या करना चाहिए वह अपनी अंतरात्मा से पूछ। मनुष्य की अंतरात्मा ही हर मनुष्य का अपना शास्त्र है। सच कहूँ तो वही उसका एकमात्र शास्त्र है। बाकी तो संसार में हजारों शास्त्र हैं। कोई कुछ करने को कहता है तो दूसरा उसके विरोध में कुछ कहता है। तुझे उन सबसे क्या, तू तो अपने भीतर के परमात्मा से संवाद बिठा। एक वही है जो इस पल का सत्य जानता है। एक बात समझ अर्जुन, कि जो अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनता है वह परिपूर्ण जलाशय या पा जाता है, वह ज्ञान के परम शिखर पर बैठ जाता है। ऐसे परिपूर्ण ही प्रयोजन अंतरात्मा से चल रहे मनुष्य का संसार के तमाम वेदों और शास्त्रों में रह जाता है। अतः तू भीतर के ज्ञान की बहती गंगा को छोड़ के टुकड़े टुकड़े में दिया भ्रमित ज्ञान क्यों उठाना चाह रहा है। ज्ञान की तो यहाँ मनुष्यों को आवश्यकता ही नहीं है। हरेक की अंतरात्मा यहाँ ज्ञान विज्ञान से पूर्ण तृप्त है। मैं भी इस समय तुझे कोई ज्ञान नहीं दे रहा हूँ, बल्कि मैं तो सिर्फ तुझे अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनने हेतु प्रेरित कर रहा हूँ। वह सुन ले, तू दिल खोलकर युद्ध करने हेतु राजी हो जाएगा, फिर तू शास्त्रों के व्यर्थ हवाले देकर युद्ध से भागने की बात नहीं करेगा। खैर, दूसरी ओर तू एक और कमाल कर रहा है। तू फलों का हवाला देकर युद्ध के मैदान से भागना चाह रहा है, लेकिन सत्य तो यह है अर्जुन की तेरा कर्म करने पर अधिकार है, उसके फलों पर कभी नहीं। हे अर्जुन, इस एक वाक्य में सब कुछ समा जाता है। मनुष्य की निगाह सिर्फ कर्म पर होनी चाहिए, उसे करने या न करने के कारणों पर नहीं। परंतु तू ऐसा नहीं कर रहा है। तू युद्ध करने के हजारों कारण सोचकर युद्ध के मैदान में पहुंचा है और यहां आकर युद्ध न करने के हजार कारण गिना रहा है। लेकिन मुझे देख, चूँकि मेरा यहां आने का कोई कारण नहीं, अतः मैं यहां से भागने के कारण भी नहीं दे रहा हूं। मेरे तो तमाम कर्मों का एक ही कारण होता है कि जो होना चाहिए वह होना चाहिए, और फिर उसके आगे फल की चिंता मैं नहीं करता। वह भी जो आना हो या जाने दो, वह भी जो आना हो या जो आना हो आ जाने दो, यही जीने का सही तरीका भी है तथा यही कुदरत की महान लीला भी है। तो ऐसे में मैं भला जीवन की बहती धारा व कुदरत की महान लीला के बीच में क्यों जाऊं। अतः तू भी युद्ध करने या न करने के तमाम कारण त्याग कर कुदरत की इस महान लीला का अंग बन जा। बह जाने दे जीवन को जिस ओर वह बह रहा है, और फिर जो होता हो वह हो जाने दे। सौ बातों की एक बात
यह कि तू समत्व में स्थित हो जा। हार जीत ही नहीं, सिद्धि और असिद्धि में भी सम हो जा। तू निगाह सिर्फ उस कर्म पर लगा जो सामने है। तू निगाह फल से हटा, तू निगाह कारणों पर से हटा। ऐसा करने पर तुझे सिर्फ युद्ध दिखाई देगा। ऐसा करने से तू दिल खोलकर हंसते हुए युद्ध कर पाएगा और तभी तू इस युद्ध में अपना श्रेष्ठ प्रदर्शन कर पाएगा। तभी युद्ध का श्रेष्ठ परिणाम तेरे पक्ष में आ पाएगा। तू फल की सोचेगा या स्वयं को कारणों में विभाजित करेगा तो तू इस युद्ध में अपना श्रेष्ठ प्रदर्शन कभी नहीं कर पाएगा, क्योंकि परिणाम तेरे सोचने के नहीं, कर्म के आएंगे। अतः तू मेरे इस सूत्र को सुख और सफलता के शिखर छूने का महासूत्र समझ ले। मैंने पूरे जीवन निगाह सिर्फ कर्म पे रखी है और देख, मैंने ग्वाले से द्वारकाधीश तक का सफ़र तय किया है। मैं जीवन का कोई युद्ध कभी नहीं हारा। अतः तू यहाँ वहाँ की सारी बातें छोड़ व जान ले कि हमारा सिर्फ कर्म पर अधिकार है, उसके फलों पर नहीं। सो तू यह मानते हुए दिल खोलकर युद्ध कर और बाकी सब उस पर छोड़ दे जिसके हाथ में सब कुछ है। लेकिन फल की आशा छोड़ना तथा कारणों पर विचार करना छोड़ना आसान नहीं, और यही कठिनाई अर्जुन को भी हो रही थी। ऐसा नहीं है कि वह मेरी बात बिल्कुल नहीं समझ रहा था, परंतु उन पर अमल नहीं कर पा रहा था। सो मैंने इसी बात को थोड़ा और विस्तार से समझाने का प्रयास करते हुए कहा कि समत्व बुद्धि ही एकमात्र श्रेष्ठ बुद्धि है। लाभ हानि या जय पराजय की सोचना अत्यंत निम्न श्रेणी की बात है। आश्चर्य तो यह है कि शास्त्र भी लाभ हानि व जय पराजय की भाषा ही बोलते हैं, और यही कारण है कि शास्त्रों की इतनी भरमार होने के बावजूद मनुष्य को चैन नहीं मिल रहा है। यही कारण है कि वह सुख और सफलता से वंचित है। परंतु तू मत चूक, तू फल मत चाह। तुझे क्या देना क्या नहीं देना वह परमात्मा तुझसे बेहतर जानता है। और ध्यान रख अर्जुन की समत्व यानी पूर्ण समत्व लाभ हानि व जय पराजय में नहीं, पाप और पुण्य में भी संपूर्ण समत्व। जबकि तू शास्त्रों को आधार बनाकर जो भी तर्क दे रहा है, सबके मूल में सिवाय पाप तथा पुण्य के और कुछ नहीं है। वैसे ही फल का त्याग यानी संपूर्ण त्याग, फिर फल की इच्छा चाहे पुण्य पाने की हो या स्वर्ग पाने की, फल की इच्छा चाहे जैसी हो वह पाप ही है। अतः यह स्पष्ट समझ ले कि संपूर्ण समत्व ही कर्म के बंधनों से छूटने का एकमात्र उपाय है। अर्जुन, तू इतना समझ कि फल की आशा ही तमाम प्रकार के मोहग्रस्त बंधनों का एकमात्र कारण है। फलों की ओर प्रेरित करने वाले तमाम प्रकार के ज्ञान एक निश्चय में बाधा है, और जिस रोज तू समत्व में दृढ़तापूर्वक स्थित हो जाएगा, उस दिन फलों की आशा के साथ साथ सुने हुए तमाम शास्त्रीय वचनों से भी मुक्त हो जाएगा और इन दोनों से छूटेगा तो मेरा परमात्मा से नित्य संयोग हो जाएगा। अगर इन दोनों से छूटेगा तो तेरा परमात्मा से नित्य संयोग हो जाएगा। फिर क्या करना क्या नहीं करना जैसे सवाल मन में उठेंगे ही नहीं। सब कुछ तेरी अंतरात्मा में हर समय कांच की तरह साफ होगा। अब बात तो मैंने ना सिर्फ गहरी कही थी बल्कि स्पष्टतापूर्वक भी कही थी, और उससे अर्जुन का ध्यान भय से हटकर ज्ञान की ओर लगा भी। पहले जो अर्जुन मुझे शास्त्र ज्ञान से अवगत कराने में लगा हुआ था, वही अब जिज्ञासा पूर्वक मुझसे ज्ञान पाने हेतु मचल उठा था। सो मेरी बात सुनकर अर्जुन बोला कि हे कृष्ण, यह बताओ कि ऐसे परमात्मा को प्राप्त पुरुष के लक्षण क्या हैं? वह कैसे बैठता है, कैसे बोलता है और कैसे चलता है? अब सवाल भले ही उसने जिज्ञासा पूर्वक पूछा था, परंतु उसकी मानसिकता पर शास्त्रों का प्रभाव अब भी अस्पष्ट झलक रहा था। सो मैंने उसे
शास्त्रों के प्रभाव से मुक्त करने के उद्देश्य से कहा कि हे अर्जुन, सवाल वह क्या बोलता और क्या करता का नहीं है, सवाल वह कैसे उठता, क्या पहनता या कैसे चलता का भी नहीं है। यह सब तो शारीरिक कर्म हैं जिनका धर्म से कोई ताल्लुक नहीं। सत्य तो यह है कि शरीर को कर्म का अधिकार ही नहीं है। मनुष्य के शरीर को कर्म करने तथा न करने हेतु उसकी कामनाएं उकसाती हैं, लेकिन स्थित प्रज्ञ योगी तो तमाम कामनाओं को त्याग चुका होता है। तू तो यहाँ युद्ध करने भी अपनी कामनाओं की पूर्ति हेतु आया था और अपनी कामनाओं की पूर्ति हेतु ही यहाँ से भागना भी चाह रहा है, परंतु हर तरह की कामनाएं पाप हैं, क्योंकि कामना मनुष्य को कर्म से अलग कर देती है। सवाल, तू युद्ध कर रहा है या हिमालय पर बैठा है, ध्यान हिमालय पर बैठकर ध्यान कर रहा है का नहीं है। सवाल यह है कि वह कर्म तू कामना से प्रेरित होकर कर रहा है या निष्काम भाव से कर रहा है। प्रतिज्ञ स्थित प्रतिज्ञ योगी चाहे जो करता है निष्काम भाव से करता है, और जो निष्काम भाव से कर्म करता है वह कभी दुखों की प्राप्ति पर भीतर कष्ट नहीं पाता है और सुखों की प्राप्ति पर उछल नहीं पड़ता है, फिर वह हमेशा समरस ही रहता है। कौन मनुष्य कामनाओं से कितना मुक्त है उसके भीतर की समरसता ही उसका एकमात्र सबूत है। चूँकि तू कामनाओं से भरा है इसलिए हार जीत से प्रभावित हो रहा है। अर्जुन, इतना समझ कि सुख और दुख में कामपना ही एकमात्र पाप है, हर हाल में अकंप रहना एकमात्र पुण्य है, और तू शास्त्रों से या फल की कामनाओं से ही नहीं कांप रहा है, तू तो पाप पुण्य हार जीत मित्र शत्रु तक की हर बात से कांप रहा है। लेकिन स्थिति प्रज्ञ पुरुष कामना रहित होने के कारण कभी किसी बात से नहीं कांपते हैं, अतः वे चाहे जो करें, दुनिया उन्हें चाहे जो कहे, वे कभी पाप को उपलब्ध नहीं होते हैं। और मैं भी तुझे यही कह रहा हूँ कि तू भी कामना रहित होकर युद्ध करने पर कभी पाप को प्राप्त नहीं होगा। अतः शास्त्रों में वर्णित पाप पुण्यों पर से ध्यान हटाकर तू पूरी तरह से कामना रहित हो जा। सच कहूँ अर्जुन, तो तू कछुए की तरह अपने इन तमाम कंपनों को समेट ले, एक चीज और समझ ले कि युद्ध से भागने पर भी तेरी कामनाएं निवृत्त नहीं होगी। हिमालय पर जाकर बैठने से इच्छाएं पीछा नहीं छोड़ देती हैं, इसलिए भागना नहीं भोगना एकमात्र समाधान है। अतः तू युद्ध से भागने की बजाय युद्ध को भोग, यह समझ कि युद्ध छोड़कर भाग जाने से तेरे युद्ध करने हेतु आने के कारण नहीं मिट जाएंगे। तू युद्ध से भागेगा तो भी वे कारण तो तेरा पीछा करते ही रहेंगे। वहीं यह भी समझ कि तेरे युद्ध के मैदान से भागने पर तेरी राज्य पाने की चाह नहीं मिट जाएगी, कौरवों के प्रति तेरी शत्रुता समाप्त नहीं हो जाएगी, लेकिन युद्ध करने पर तू इन दोनों कारणों पर विजय पा सकता है। हो सकता है कि जीतने पर तेरी राज्य पाने की तमन्ना पूरी हो जाए और तू उससे छूट जाए। हो सकता है कि कौरवों पर चंद वार करके तेरी उनके प्रति की शत्रुता तिरोहित हो जाए। अतः यह समझ ले अर्जुन की जिनके मन में जो है वही उसका सत्य है, उसे भोग कर ही वह उससे छुटकारा पा सकता है, भाग कर नहीं। अर्जुन, ध्यान रख कि विषयों से भागने वाले के विषय तो छूट जाते हैं परंतु उनमें रहने वाली कामनाएं नहीं छूटती। ऐसे ही युद्ध से भागने पर तेरा युद्ध से तो छुटकारा हो जाएगा परंतु उसके कारणों पर तू विजय नहीं पा सकेगा, वे कारण तो उल्टा भीतर ही भीतर और गहरा हो जाएंगे। यह सत्य जान ले कि स्त्री व भोगों से भागे सन्यासियों का उनसे कभी छुटकारा नहीं होता है। यही कारण है कि स्त्री व भोग उनके शास्त्रों तक में चले आते हैं, वहीं उनके स्वर्ग की कल्पना में भी मिलते हैं। अतः राज्य पाने की चाह में दर दर भटकने से अच्छा है राज भोगने का मौका ले ले, शायद भोगने के बाद एक दिन तेरा राज मोह वास्तव में समाप्त हो जाए।
अर्जुन इस तमाम प्रक्रिया का विज्ञान समझ ले। इस संपूर्ण प्रक्रिया में तू विषयों को वैरी जान, यह भी जान कि भिन्न भिन्न विषय अस्तित्व में आते हैं समत्व खोने के कारण। समत्व खोते ही मनुष्य के सारे द्वंद्व उजागर हो जाते हैं, फिर वह भोग व संन्यास में तरह तरह के भेद उत्पन्न करता है, उन्हीं के आधार पर वह अनेक विषयों को जन्म देता है, फिर उन विषयों से संबंधित साधनों की कामना करता है। भोग चाहने वाला धन व सत्ता एकत्रित करने में लग जाता है, जबकि दूसरी ओर संन्यास चाहने वाला ज्ञान व ध्यान के साधन एकत्रित करने में जुट जाता है। परंतु अंत में तो दोनों में कोई भेद नहीं है, क्योंकि दोनों विषयों के पीछे ही तो भाग जा रहे हैं। इस विज्ञान को ऐसा समझ कि मनुष्य राज की कामना करे या कमंडल की, है तो दोनों एक विषय ही, फिर उसकी उन दोनों विषयों में आसक्ति हो जाती है, जिससे उससे उसे पाने की चाह उत्पन्न होती है। पा लेता है तो उसे उसका मोह उत्पन्न होता है, और नहीं पा पाता है तो विचलित हो जाता है। वहीं पाकर खोने की नौबत आ जाए तो वह क्रोधित हो उठता है, और तू ही देख ले, हमला चाहे राज्य पर किया जाए या कमंडल पर, क्रोधित दोनों ही हो जाते हैं। इस क्रोध से दोनों की ज्ञान शक्ति का नाश हो जाता है, फिर वे अपनी स्थिति से और गिर जाते हैं, और फिर वो गिरते चले जाते हैं। फिर तो खेल ऐसा जमता है कि राजा राजपाट से थकता है तथा सन्यासी कमंडल से उब जाता है, और आगे चलकर एक दिन ऐसा भी आता है कि राजा कमंडल पाने को मचलना शुरू हो जाता है, और कमंडलधारी धन की कामना से भर जाता है। फिर बस यही सिलसिला जन्मों जन्मांतर चलता रहता है, लेकिन इस भागा दौड़ी से उनका छुटकारा कभी नहीं होता है। तेरा ही उदाहरण ले, राज की कामना तुझे युद्ध के मैदान में ले आई, कौरवों की विशाल सेना तुझे राज्य पाने में बाधा दिखाई देने लगी, तो तू संन्यास की बातों पर उतर आया। कल फिर इस परिस्थिति बदलेगी तो एक बार फिर तू राज्य पाने हेतु मचल उठेगा। यह सिलसिला कब तक चलेगा? कब तक राज्य और संन्यास के पीछे भागता रहेगा? कब समझेगा कि दोनों में से किसी में कोई फर्क नहीं है? अतः तू एक निश्चय से युद्ध कर व उसके परिणाम का फैसला परमात्मा पर छोड़ दे। युद्ध में से फल की आशा त्याग दे, फैसला उस परमात्मा को करने दे कि तुझे राज्य मिले, संन्यास मिले या इस जीवन से मुक्ति मिले। यह ध्यान रख ले अर्जुन की जब तक तू मन मुताबिक कर्म कर परमात्मा जब तक तू मन मुताबिक कर्म कर फल परमात्मा पर नहीं छोड़ेगा, तब तक तू सुख व दुख से विचलित होता रहेगा, और तब तक तू कभी राज तो कभी वैराग की तरफ भागता रहेगा। यह समझ ले अर्जुन की भोग और त्याग दोनों बहती नदी के समान हैं, दोनों खूब दौड़ाते हैं। अतः तू भोग और संन्यास दोनों की कामना त्यागते हुए दिल खोलकर युद्ध के लिए खड़ा हो जा, और अपनी इस दौड़ा भागी पर हमेशा के लिए विजय पाले। तू फल को त्याग कर एक विशाल समुद्र जैसा हो जा। युद्ध के फलस्वरूप राज मिले या वैराग्य या फिर मौत ही क्यों न मिले, तीनों संभावनाओं को अपने भीतर इस कदर समा ले कि जैसे विशाल समुद्र तमाम बहती नदियों को अपने भीतर समा लेता है। यह विशाल समुद्र जैसा होना ही स्थिति प्रज्ञता है, और फिर यह क्यों नहीं समझता कि यह युद्ध तेरी ही कामनाओं का परिणाम है। इसे अब फल की आशा त्याग कर दिल खोल के भोग ले, बस तू ब्रह्मानंद को प्राप्त हो जाएगा। यही कर्मों के बंधन से सदैव के लिए छूटने का एकमात्र उपाय है, यही तमाम भागा दौड़ियों पर पूर्ण विराम लगाने का एकमात्र मार्ग है। अतः यहाँ हरेक को चाहिए कि वह कर्मों से भागे नहीं, वह यह मान ही ले कि सामने जो कुछ भी कर्म है वह अपनी ही कामनाओं का अंतिम परिणाम है। अतः एक बार दिल खोलकर तथा फल की आशा त्याग कर
वह कर्म कर लो, फिर हमेशा के लिए हर कर्म के बंधन से मुक्त हो जाओगे। अर्जुन के लिए महाभारत का युद्ध वह अवसर है, आपके लिए कोई दूसरा अवसर। अर्जुन के लिए महाभारत का युद्ध वह अवसर है, आपके लिए कोई दूसरा युद्ध यह अवसर हो सकता है। बस फल परमात्मा पर छोड़ के खेल जाओ, ब्रह्मानंद को प्राप्त हो जाओगे। गीता के दूसरे अध्याय में कृष्ण ने समझाया कि सवाल अच्छे बुरे का नहीं है, सवाल तुम क्या चाहते हो उसका भी नहीं है, सवाल सिर्फ समय का है। इच्छाएं तथा महत्वाकांक्षाएं तो कोई भी कुछ भी पकड़ सकता है। कृष्ण कह रहे हैं कि उससे मुझे कोई एतराज भी नहीं है, पर हाँ यह अवश्य चेक कर लो कि आप जो इच्छा कर रहे हैं यह उसका सही समय भी है या नहीं। यदि गलत समय पे गलत महत्वाकांक्षा पकड़ ली तो बर्बादी तय है। अतः आपके लिए बेहतर है कि अपनी प्रमुख तीन इच्छाओं तथा महत्वाकांक्षाओं के समय को पहचान लें। समय सही जान पड़े तो ही आगे बढ़े, वरना सही समय का इंतजार करें। हालत पूर्ता उस इच्छा व महत्वाकांक्षा को ठंडे बस्ते में डाल दें, क्योंकि यह प्रकृति का नियम है कि सही समय पे उंगली से पहाड़ टूट जाएगा तथा गलत समय पे बुलडोजर से कंकड़ तक नहीं टूटेगा। अतः अपने तीन प्रमुख इच्छाओं का समय पहले चेक कर ले, और जिसका समय सही जान पड़े उसमें दिलो जान से भिड़ जाएं। जब तक इच्छित चीज प्राप्त न कर ले रुके ही मत। इच्छा विस्तार से लिखिए, क्या आप में उस बाबत योग्यता है तो हाँ, नहीं है तो नहीं, परिस्थितियाँ अनुकूल हैं या नहीं हैं, उपलब्ध ऑप्शंस में यही सर्वश्रेष्ठ हैं या नहीं, रास्ते में आने वाली सारी बाधाएं दूर हो सकती हैं या नहीं, आगे बढ़ने हेतु कॉन्फिडेंट हैं आपके पास या नहीं, क्या आप में उस बाबत योग्यता है या नहीं, परिस्थितियाँ अनुकूल हैं या नहीं, उपलब्ध ऑप्शन में यही श्रेष्ठ है ना, रास्ते में आने वाली सारी बाधाएं दूर हो सकती हैं ना, आप आगे बढ़ने हेतु कॉन्फिडेंट हैं ना, ये सभी लिखिए। आप क्या आप में उस बाबत योग्यता है, परिस्थितियाँ अनुकूल हैं, ये सभी लिखिए विस्तार से। यदि पांचों मानकों में हाँ पर टिक लगे हो तब तो बिना एक क्षण बिगाड़े उस इच्छा की पूर्ति हेतु भिड़ जाओ, पर चार पर हाँ हो तो भी आगे बढ़ ही जाओ, तीन पर हाँ होने पर चार या पांच पर हाँ होने का इंतजार करो, तथा एक या दो पर ही हाँ हो तो हालत पूर्ता इस इच्छा को त्याग दें। इस अध्याय में हमने कन्फ्यूजन के कारणों को समझा। दृढ़ता पूर्वक युद्ध के मैदान में आया अर्जुन अचानक कन्फ्यूज क्यों हुआ यह हमने समझा। इस अध्याय में हमने यह जाना कि एक से ज़्यादा विकल्पों पर मनन करना कन्फ्यूजन की जड़ है। जब तक युद्ध एकमात्र विकल्प अर्जुन के पास था तब तक अर्जुन युद्ध को लेकर रत्ती भर भ्रमित नहीं था, लेकिन जब वह अनेक विकल्पों के बीच में फंस गया तो कन्फ्यूज हो गया। बस इसी को आधार बनाकर आप अपने प्रमुख कन्फ्यूजन की जड़ों को समझें और उन्हें हटाएं, और उस हेतु अगले पेज पर दिए गए चार्ट को भरें। अपने तीन प्रमुख कन्फ्यूजन विस्तार से लिखें तथा उस कन्फ्यूज होने के कारणों के आगे हाँ या ना पर टिक लगाएं। नोट, कार्य का यह नियम है कि जितना वह एक मन से दृढ़तापूर्वक करेंगे उतने ही उसके श्रेष्ठ परिणाम आएंगे। सो कोशिश करो कि जो भी करो वह दृढ़तापूर्वक करो, तथा वह तभी संभव है जब विकल्प एक ही रहे कि यह करना ही है, और उस हेतु भ्रमित करने वाले तमाम विकल्पों से छुटकारा पाना जरूरी है। अतः अपने प्रमुख भ्रमों के आगे दिए गए कारणों में से जो लागू पड़ते हों उनमें टिक लगाएं, फिर देखें कि आपको जो करना है उसमें कुल कितने कारण आपको रोक रहे हैं, फिर एक एक करके उन सब को हटाकर कार्य करने हेतु अपना मन पक्का करते चले जाओ।
कार्य प्रारंभ करने की जल्दी मत करो, पहले भ्रम पैदा कर रहे सारे कारणों को हटाओ और जब सारे कन्फ्यूजन दूर हो जाए तब डटकर कार्य करने हेतु तैयार हो जाओ। कृष्ण भी युद्ध को लेकर अर्जुन पर छाए सारे कन्फ्यूजन ही हटाने में लगे हैं ताकि फिर वह पूरे मन से युद्ध कर सके, और आपको भी पहले कन्फ्यूजन हटाने हैं ताकि फिर दृढ़ मन से कार्य कर सके। और कहने की ज़रूरत नहीं कि जो कार्य दृढ़ मन से करेंगे उसका परिणाम भी शानदार आएगा ही। प्रमुख कन्फ्यूजन कौन कौन से हैं वो लिखिए। करना है पर धर्म आड़े आ रहा है, हाँ पर टिक लगाइए या ना पर टिक लगाइए। करना है पर लोग क्या कहेंगे का डर है, अगर डर है तो हाँ पर, नहीं है तो ना पर। करना है पर चिंता परिणाम को लेकर है, अगर चिंता परिणाम को लेकर है तो हाँ पर टिक लगाइए, अगर चिंता परिणाम को लेकर नहीं है तो ना पर टिक लगाइए। कार्य करना नहीं चाहते पर करने का बाहरी दबाव है, अगर ऐसा है तो हाँ पर टिक लगाइए, अगर नहीं है तो ना पर टिक लगाइए। काम करना मजबूरी लग रही है पर मन नहीं है, अगर ऐसा है तो हाँ पर टिक लगाइए, ऐसा नहीं है तो ना पर टिक लगाइए। इस तरह पूरे जो भी काम के कारण हैं और धर्म आड़े आ रहे हो या लोग क्या कहेंगे का डर हो या चिंता परिणाम को लेकर डर हो या बाहरी कोई दबाव हो या मजबूरी लग रही हो, इन सब पर हाँ और ना पर जो भी हो उस पर टिक लगाइए। कृष्ण अर्जुन से चाह क्या रहे हैं, इतना ही कि वह दिल खोलकर युद्ध करे। क्यों? क्योंकि तभी वह युद्ध में विजयी हो सकता है। गीता से हमें भी यही सीखना है। कृष्ण सिखा रहे हैं कि ध्यान सिर्फ कर्म पर लगाना है, और वह कब संभव है, जब ध्यान बाकी जगहों से हट जाए, कर्म के फल तक पर ध्यान न हो, तभी मनुष्य कर्म पूर्णता से कर पाता है। यदि मनुष्य चाहकर भी सफल नहीं हो पा रहा है तो प्रतिभा की कमी के कारण नहीं बल्कि कर्म में पूरा ध्यान न लगा पाने के कारण। अतः कोई भी बड़ा कार्य प्रारंभ करने से पहले यह देख लो कि आपके जहन में कार्य के अलावा और क्या क्या चल रहा है, पहले उन सब से निजात पाओ, और जब ध्यान सब ओर से हट जाए तथा पूरी तरह से कार्य में लग जाए तभी बड़ा कार्य प्रारंभ करो, फिर उस कार्य में आपको बड़ी सफलता मिलना तय है। सो इस समय आप जो भी बड़ा कार्य करने की सोच रहे हो उसे करने से पहले अगले पेज पर दिए गए चार्ट को भरें। यह बेकार की जगहों से ध्यान हटाने तथा अपना पूरा जोर कार्य पे लगाने में सहायता करेगा। वह बड़ा कार्य जो आप करना चाहते हैं उसे लिखिए। ध्यान कार्य के अलावा और कहाँ कहाँ बटा हुआ है वो भी चेक कीजिए। जैसे फल या परिणाम में ध्यान भटक रहा है, अगर हाँ तो टिक लगाइए, नहीं तो नहीं। अगर हाँ तो पहले बाधा दूर करने में लगिए तथा बाधा दूर होने पर फिर टिक लगाइए। फाइनेंशियल अवस्था कार्य को बाधा पहुंचा रही है, उसमें हाँ या ना में टिक लगाइए, अगर हाँ तो उसे दूर करने में लगिए। पारिवारिक समस्या ध्यान भटका रही है, अगर हाँ तो उसे दूर करने में लगिए। स्वास्थ्य साथ नहीं दे रहा है, अगर हाँ तो उसे दूर करने में लगिए, अगर नहीं तो आगे बढ़िए और अगली बाधा पर ध्यान दीजिए। कार्य की बारीकियों को समझना बाकी है, वह बाधा है, अगर ऐसा है तो पहले उसे दूर कीजिए, बाद में फिर आगे बढ़िए। नोट: जितने कलम में हाँ लिखते हैं उतनी बधाएं हैं। सो कार्य बड़ा हो तो पहले जितनी हो सके उतनी बधाएं दूर करें, और जब सारी बधाएं अच्छी खासे नियंत्रण में आ जाएं तभी बड़ा कार्य प्रारंभ करें। पूरा मन भी लगेगा तथा कार्य आसानी से भी निपटेगा, काम का मज़ा भी आएगा व परिणाम भी श्रेष्ठ आएगा। यह ध्यान रखना कि यह एप्लीकेशन जिंदगी के चंद महत्वपूर्ण कार्यों हेतु ही है,
बाकी तो आज के आधुनिक युग में रोजाना एक साथ अनेकों समस्याओं से उलझना ही पड़ता है। मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, लाइफ को एंजॉय कीजिए, मस्त रहिए। आपका कीमती समय देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।